हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी एबीसी कॉस्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। बेसिक कंसेप्ट भी कवर करेगा, आपको मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं। मैं फिर बोलता हूँ, दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस पर्पजेस। चलिए सर, बताइए क्या है इसमें, जरा देखते हैं। चलिए, कहता है टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर मेड यूजिंग सिमिलर इक्विपमेंट्स एंड मैथड्स। ओके, द डेटा फॉर द लास्ट पीरियड्स आर, यूनिट प्रोड्यूस किए गए हैं 6000 एंड वाई का है 8000। इट मीन्स दे आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाई कंसर्न एंड लेबर आर पर यूनिट 6000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट पे एक घंटा इनपुट लगता है। इट मीन्स 6000 यूनिट्स के प्रोडक्शन में 6000 आवर्स यूज होंगे। इन द सेम वे फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई देर इज अ नीड ऑफ 2 hours पर यूनिट। इट मीन्स इन टोटालिटी देर इज अ नीड ऑफ 16000 hours। होप सो यू आर गेटिंग। इन द सेम वे मशीन आवर्स पर यूनिट 4। अगर एक यूनिट 4 घंटे मशीन देती है तो 6000 यूनिट के लिए मशीन आवर्स रहेंगे 24000 hours। इन द सेम वे 16000 सेटअप इन अ पीरियड लिखा है, 15 सेटअप्स हैं, 15 सेटअप आर देयर, 45 सेटअप आर देयर इन द केस ऑफ वाई, ऑर्डर हैंडल 12 इन द केस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 60 इन द केस ऑफ वाई। ओवरहेड फॉर द पीरियड, हमारा ओवरहेड दिया है 179000 यूरो। आप रुपीज में समझ लें या यूरो में समझ लें या पाउंड में समझ लें, नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दैट। रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सेटअप, ओके, ओवरहेड फॉर द पीरियड में रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सेटअप 179,000, relating to order handling 30,000, relating to machine activity 55,000. This is the question, और हमसे कहता है कि calculate the overhead to be absorbed per unit of each product based on conventional absorption costing using a labor hour absorption rate. The important is labor hour rate. Okay. Second कहता है ABC approach use करो suitable cost driver के तरह। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करें? सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड लेकर चलें? सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड लेकर चलिए। सॉल्यूशन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या जिसको हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड अप्रोच, ये हम लोग यूज करते थे अब तक, दैट वॉज ओके। जरा देखें कैसे बनेगा हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले चलिए मैं यही बता देता हूँ। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें समझने के लिए, वो ये कि पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लेबर आर्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमें टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो ना, और टोटल ओवरहेड प्रोडक्ट एक्स का अलग, प्रोडक्ट वाई का अलग, लेबर आर्स प्रोडक्ट एक्स का अलग, प्रोडक्ट वाई का अलग। जैसे ही ये दोनों तैयार हो जाते हैं आपके पास, तो आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप लास्ट में, टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लेबर आर्स, दिस इज योर सॉल्यूशन। माइंड में ये चीज तो सेट है ना कि हम लोग ऐसे ही करते हैं एब्जॉर्प्शन में। चल सकते हैं आगे, काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं तो हमें ये बार बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत या देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट एक्स की, इन द सेम वे प्रोडक्ट वाई की। तो प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड टोटल, क्या कहता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, पहले का 6000 था और दूसरे का 8000 है, ठीक है ना।
6000 यूनिट्स एंड 8000 यूनिट्स. ओके, लेबर आर्स पर यूनिट रिक्वायर्ड कितने लगते हैं? वन एंड टू. यहाँ पर लगता है एक घंटे और यहाँ पर लगते हैं टू आर्स. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल लेबर आर्स रिक्वायर्ड हाउ मच? 6000 आर्स एंड 16000 आर्स. यू कैन से इन टोटालिटी 22000 आर्स. ओके, हमने एक काम तो निकाल लिया कि हमें ये कितने लेबर आर्स चाहिए. अब हमें दूसरा स्टेप कैलकुलेट करना है, कितने ओवरहेड्स लग गए. बोलो ना, कितने ओवरहेड हमारे यूज हुए? टोटल ओवरहेड. कौन कौन सा? पहला लगा है प्रोडक्शन सेटअप. सेटअप कॉस्ट है 179,000. टोटल है, नॉट इन द केस ऑफ एक्स, बट दिस रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट. ओके, इन द सेम वे प्रोडक्शन सेटअप के बाद ऑर्डर हैंडलिंग. दीज आर गिवन 30,000 एंड 55,000 आर द लास्ट वन. And what are the those machine activity? चलो भाई, ये हमारा total overhead आ गया. कितना आ गया total overhead? Calculate कर लिया जाए. 179,000 प्लस 30,000 प्लस 55,000, दिस इज योर 264,000. अच्छा, हमारे टोटल आर्स हैं ये और टोटल ओवरहेड्स हैं इतने. तो सर एक बात बताइए, कॉस्ट पर आर कितनी होगी? तो हम यहाँ निकाल सकते हैं ओवरहेड कॉस्ट पर आर. कैसे निकलेगा? This is your A, this is your B, तो B divided by A, total cost divided by total hours, 12 rupees per hour, कह सकते हैं ना. तो सर एक बात बताइए कि product X में कितना जाएगा? अरे total हमारे use हुए हैं 6000 hours, कितने? 6000 hours ये, और यहाँ कितने हैं? 16000. वन आर कितना है? वन आर कितना है? 6000. 6000 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर? दैट कम्स आउट टू 72,000 एंड 16,000 इंटू 12 192,000. नहीं समझ में आया तो ऐसे समझें, 6000 आर्स इंटू 12 एंड हेयर 16,000 इंटू 12. That's it. This is your answer. Absorption costing से ये हमारा answer सामने आ गया. हमें नहीं लगता आप किसी को किसी तरह की इसमें दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. बोलो, जल्दी से नोट करें तो हम इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे. जानते हैं किस मेथड से? वो है आपका एबीसी कॉस्टिंग, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच. एबीसी कॉस्टिंग या मॉडर्न अप्रोच. अब एबीसी कॉस्टिंग के लिए पहले दिमाग सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि करते क्या हैं उसमें हम लोग. वहां पर एबीसी कॉस्टिंग में कॉस्ट
पूल निकालते हैं, कॉस्ट एक्टिविटी निकालते हैं टोटल, जिसको हम लोग कॉस्ट पूल का नाम देते हैं, और दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट पर ड्राइवर हो जाएगा कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्राइवर्स। कुछ ऐसा ही सिस्टम था जो हम लोगों ने सीखा था, हाँ या ना। तो यहां तक अगर हम पहुंच गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए अब जरा बात करते हैं किसकी, एबीसी कॉस्टिंग की, और तीन चीजें पहले कैलकुलेट करेंगे। चल हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट एक्स की, प्रोडक्ट वाई की, ये है आपका टोटल। है क्या क्या, ढंग से सुनेंगे। सबसे पहली कॉस्ट हमको दी हुई है सेटअप कॉस्ट, एंड दैट इज गिवन 179,000। ढंग से सुनेंगे, क्या दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 179,000, यस और नो। और इसका जो बाइफरकेशन होना है वो होना है नंबर ऑफ सेटअप्स पे, किस पर होना है, नंबर ऑफ सेटअप्स। और नंबर ऑफ सेटअप्स कितने दिए हैं, ये सारी चीज हम बता चुके हैं, इनके कॉस्ट ड्राइवर होंगे नंबर ऑफ सेटअप्स। कितने दिए हुए हैं जरा इधर देखें, ये है आपका नंबर ऑफ सेटअप्स 15 एंड 45, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 45, टोटल आ जाएगा 60। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अलग कलर से ही यूज़ करते हैं ताकि आपको दिखने में भी आसानी होगी, बोलो ना। यानी टोटल ड्राइवर लगे 60, कितने लगे 60, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर हैं 60, और 60 के कॉस्ट है 179,000। इट मीन्स हर एक ड्राइवर की कॉस्ट क्या होगी, क्या पता नहीं चल जाएगा, अरे सर पता चल जाएगा, वो आ जाएगा आपका कॉस्ट पर ड्राइवर। ये आ जाएगा 2983.33, मल्टीप्लाई कर दें। अगर एक ड्राइवर की कॉस्ट इतनी है तो 15 की कितनी होगी, 45 की कितनी होगी, नाउ इट विल बिकम वेरी इजी टू कैलकुलेट, 44,750 एंड 45 के केस में 134,250, आप दोनों को टोटल करेंगे यू विल गेट 179,000, यस और नो। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ये हो गया फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट, जिसको हम नाम देंगे यहां पर ए। अच्छा अब बात करेंगे सेटअप कॉस्ट के बाद हमारा दूसरा आ जाएगा ऑर्डर हैंडलिंग 30,000, ऑर्डर हैंडलिंग दिस इज योर 30,000, टोटल अमाउंट इज गिवन। नाउ वी आर नीडेड टू बाइफर्केट दिस 30,000 बिटवीन एक्स एंड वाई, हमें ये 30,000 एक्स और वाई दोनों में बाइफर्केट करना है। क्वेश्चन इज सो सिंपल, नाउ वी आर नीडेड टू रिलेट, हमें इस ऑर्डर हैंडलिंग को रिलेट करना है कॉस्ट ड्राइवर से। तो कॉस्ट ड्राइवर्स क्या दिए हैं, वो दिए हैं ऑर्डर्स हैंडल्ड इन द पीरियड 12 एंड 60, ऑर्डर्स हैंडल्ड इन द पीरियड। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 एंड 60, टोटल है 72। तो अगर मैं कहूं 30,000 मेरे एक्सपेंडिचर हुए हैं 72 ड्राइवर्स पे, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर 72,
और 30,000 एक्सपेंड हुआ है, तो इसका स्पेंड हुआ है, तो इसका मतलब हर एक ड्राइवर पर कितना लगा है, हर एक ऑर्डर के हैंडल करने पर कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, 416.67। तो कॉस्ट पर ड्राइवर, यहां पर ड्राइवर लिखने की बजाय कॉस्ट पर ऑर्डर हैंडलिंग कर सकते हैं, 416.67। इज इट क्लियर? और इसको भी हम यहां से क्लोज कर देंगे। बोलो भाई, और यहां आ जाएगा हमारा इनटू 12,5,000 एंड दिस वुड बी 25,000। सो सिंपल। नाउ द लास्ट वन इज योर मशीन एक्टिविटी कॉस्ट, मशीन एक्टिविटी कॉस्ट, दिस इज गिवन 55,000। ओके, नंबर ऑफ मशीन आर्स आर गिवन 4 and 2 पर यूनिट, 4 and 2 पर यूनिट, मशीन आर्स, दिस इज गिवन 4 and 2। 4 मीन्स 6,000 इंटू 2 एंड 8,000, 6,000 पर आपका 4 घंटे के हिसाब से लगेगा ये, तो आपका हो जाएगा 24,000 आर्स। और 8,000 यूनिट इंटू 2 आर्स पर यूनिट 16,000। हाँ या ना? टोटल कितना हो गया? दैट इज 40,000। अगर हमसे कहे कॉस्ट पर आवर निकालो तो डिवाइडेड बाय 40,000 1.375। तो कॉस्ट पर आवर 1.375, क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 24,000 आर्स में, दैट वुड कम योर 33,000 एंड दैट वुड बी योर 22,000। होप सो। अब क्या करना है सर? कॉस्ट निकाल लीजिए आप, टोटल कॉस्ट एबीसी अप्रोच से। कौन कौन सी कॉस्ट आ गई? ए प्लस बी प्लस सी। अरे बोलो ना। तो हमारी ए कॉस्ट है, दिस इज योर ए, ए बी एंड सी, द टोटल कॉस्ट वुड बी 82,750 प्लस 25,000 प्लस 22,000 181,250 179,000 30,000 प्लस 55,000, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट एज पर एबीसी अप्रोच। एज पर एबीसी अप्रोच दिस इज आवर टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ एक्स एंड केस ऑफ वाई। वाइल इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, आप अलग अलग कर सकते हैं। पहले कितना आ रहा था 72,000 और अब कितना आ रहा है 82,000। अर्लियर इट वॉज 1,92,000, नाउ इट इज 181,250। फर्क समझ में आ रहा है? जी सर, फर्क बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्लियर? चल सकते हैं आगे। सर व्हाट इज अल्टीमेट रिजल्ट? ओके, कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस,
this is your product X and Y. Now you can say total overhead as per absorption costing. This is 72,000, 192,000. Total production in units 6,000 and 8,000. 6,000 and 8,000. अब आप ये कह सकते हैं 6,000 यूनिट्स पर 72,000 का इनकर हुआ है कॉस्ट, 6,000 यूनिट्स पर 72,000, तो 12 रुपीस पर आर, हाँ या ना, 12 रुपीस पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट 12, 192 डिवाइडेड बाई 8,000, 24 रुपीस पर यूनिट. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. स्टिल वी आर नीडेड टू डू समथिंग मोर. व्हाट इज दिस? टोटल ओवरहेड एज पर एबीसी, और हमने कैलकुलेट किया 82,750 एंड 181,250. बोलो ना, टोटल प्रोडक्शन इन यूनिट्स 6,000 एंड 8,000. नाउ यू कैन से कॉस्ट पर यूनिट, नॉट कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. ओके, 82,750 डिवाइडेड बाई 6,000, दैट इज योर 13.79 अप्रोक्स. 22.65. This is the difference which gives us accurate information, that is your absorption system or ABC. But obvious, आपका ABC system आपको accurate information दे रहा है, but obvious है ये आपका accurate information देता है. जरा ढंग से देखिए कि पहले जो हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे थे, वहां पर हम कॉस्ट को गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे. जहां पर हमें कॉस्ट ज्यादा एलोकेट करनी चाहिए थी वहां हमने कम कर दी, और जहां हमें कम करनी चाहिए थी वहां हमने ज्यादा कर दी. तो अब आप अपना डिसीजन सही कर सकते हैं और आप मार्केट को अपना एक्सपेंड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट सेशन में आपसे हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.